सो अली खान जी, आज हमने बॉलीवुड की महाहस्ती को खोया, क्या कहना चाहेंगे श्रीदेवी के लिए? बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है पूरी इंडस्ट्री से। उनके जितने चाहने वाले हैं, पूरा हिंदुस्तान जो उनको चाहता था, आज वो रो रहा है, उनका परिवार रो रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि कल वो एक हंसी खुशी एक शादी के माहौल को अटेंड किया उन्होंने, और रात को उनकी डेथ होती है, और वो भी दूसरे मुल्क में यानी दुबई में। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात होती है कि जब किसी की मौत अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्क में हो, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो उनके पार्थिव शरीर को यानी उनकी बॉडी को अपने मुल्क में यानी हिंदुस्तान में लाने में जो दिक्कत हो रही होगी, वो हम सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे कलाकार ये सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, और इन्होंने श्रीदेवी जी ने अपना एक इतिहास रच दिया। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 4 से 5 साल की महज छोटी उम्र से अपना करियर शुरू किया था, जब खेलने कूदने के वक्त होते हैं, और उस ज़माने में वो चर्चित रही बाल कलाकारा के रूप में। फिर उन्होंने वहाँ की फिल्में, ओरिजिनल फिल्में जो साउथ की थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सारी फिल्में की। फिर फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में हिम्मत वाला से उन्होंने अपने करियर की जितेंद्र जी के साथ शुरुआत की, और एक ज़माने तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने राज किया। फिर मेरे साथ मेरे करियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन जी और श्रीदेवी जी के साथ शुरू हुई, खुदा गवाह, जिसे मैंने हबीबुल्लाह का रोल किया। तो मैं उस पल को, उस लम्हे को कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज भी उनका चेहरा मेरे सामने है, एक चुलबुली सी लड़की है, एक शर्माऊ सी लड़की, और जो खुदा गवाह का जो डायलॉग, जो गाना चल रहा था कि तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह, तो वो जो शॉट महबूब स्टूडियो मैंने देखा था, वो नज़ारा मेरी आंखों के सामने है। मैं पूरी रात ट्रैवल करके गुजरात सूरत से शूटिंग पैकेट करके आया हूँ, एंड आई रीच मुंबई 4 o'clock, और तब से मेरे मैसेजेस मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं, मैंने चैनल पे देखा। पहले तो ये लगा कि ये फेक न्यूज़ है, यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब चैनल पे देखा और तब बात पक्की हो गई कि वाकई उनकी डेथ हो गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा हादसा, और कितने टैलेंटेड और कितने बड़े कलाकार को हमने खोया है, इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। लेकिन मैं यही दुआ करूँगा उनके परिवार के लिए कि मालिक उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे, और मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। और ये दुआ करूँगा कि उनकी बॉडी जल्द से जल्द हिंदुस्तान में, मुंबई में आए, ताकि हम सब उनका। खान साहब, अगर हम बात करें तो आपका काफ़ी अच्छा रिलेशन है श्रीदेवी की जी से, बोनी जी के साथ में, तो सर आज आपकी कुछ बात हुई है उनको, पार्थिव शरीर यहाँ आने वाला है कि कुछ समय लगेगी, आपके कुछ फोन में चर्चा हुई? मैं वहाँ से कुछ लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि थोड़ी सी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो तहकीकात होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन वो शाम तक आ जाएंगे। अभी मैं घर पर भी गया था उनके, लेकिन घर पर कोई भी नहीं है, और ये पोजिशन भी नहीं है कि ज़्यादा किसी से पूछताछ करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मालूम हो रही है, और मुझे लगता है कि शाम तक वो आ ही जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जब दूसरे देश में किसी की मौत होती है तो फॉर्मेलिटीज़ उससे गुजरना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, तो लेकिन वो शाम तक आ जाएंगी, ऐसी खबर आ रही है। तो खान साहब, बात करें तो हम अगर श्रीदेवी जी की, तो श्रीदेवी जी का आपके लाइफ में कैसा मीन्स सपोर्ट रहा है आपको? नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत ही लकी, बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने एक जिस फिल्म से मेरा नाम हुआ, जिस फिल्म से मेरी चर्चा हुई, वो खुदा गवाह फिल्म, और जिसमें दो महान कलाकारों के साथ मैंने काम किया, अमिताभ बच्चन जी और श्रीदेवी जी। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि या इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। तो एक फिल्म इंसान के तकदीर को, किस्मत को बदल देती है, वही मेरे साथ हुआ था। तो मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में श्रीदेवी जी का चेहरा हर वक्त आ रहा, और मैं बस क्या बताऊँ कि कितना गमगीन हूँ, कितना दुखी हूँ। आखिरी बार श्रीदेवी जी से आप कब मिले? बहुत पहले एक शादी समारोह में यही मुंबई में JW मैरियट में मुलाकात हुई थी। और बाकी क्या होता है कि अब जब आप काम नहीं कर रहे हो तो हर आदमी अपने अपने इसमें बिजी होता है, लेकिन ये है कि हाल चाल तो लेते ही रहते, चूँकि मेरा घर
और जहाँ श्रीदेवी जी पहले रहती थी, जो बंगला है बोनी कपूर जी का, तो अक्सर वहाँ आते जाते थे। जब बोनी कपूर जी के डैडी की डेथ हुई थी तब भी हम आए थे, और बोनी कपूर जी से तो अक्सर मुलाकात होती रहती थी और हाल चाल रहती रहती। सर अगर हम बात करें तो आज जो दुखद खबर आई है, आज उनके काफ़ी फैन निराश हुए हैं, हमने मीडिया से भी बातचीत की, लोगों से भी बातचीत की, तो आप एक आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज? भाई देखिए, ये तो मौत तो हर इंसान की ज़िंदगी में है, लेकिन कुछ चीज़ें अचानक होती है, उसका सदमा कई सालों तक रहता है। तो मैं फैंस को यही कहना चाहूँगा कि आप सब उनके लिए दुआ करें, उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को हिम्मत दें, ताकत दें। ये परिवार आज इस जो सदमे में है उससे उनको बर्दाश्त करने की ताकत मिले, और उनके लिए दुआ करें। तो खान साहब, हम आज चीज़ जानना चाहते हैं कि अभी श्रीदेवी जी का जो पार्थिव शरीर आया नहीं है, तो उनका शरीर आएगा तो आप वापस उनके घर जाएंगे? बिल्कुल, मैं घर पे भी जाऊंगा और जहां अंतिम संस्कार होगा वहां भी जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं सका, इसीलिए मैं उनके घर पे भी अभी गया। जबकि उनके वहाँ वॉचमैन ने कहा कि यहाँ कोई नहीं है, और कोई भी नहीं, किसी से भी बात नहीं हो सकती है, और हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्द हिंदुस्तान आ जाए। चलो, ओके।